और महाराष्ट्र सियासी संकट से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बागी विधायक एकनाथ शिंदे की अगुवाई में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है, जिसमें दावा किया जाएगा कि डिप्टी स्पीकर अजय चौधरी के पास 37 विधायकों का समर्थन नहीं है। अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाया गया है, आपको जानकारी के लिए बता दें, और इसी के खिलाफ शिंदे गुट कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। ताजा जानकारी के लिए आपको रौनक कुकड़े के पास लेकर के चल रहे हैं। रौनक, ये जो नंबर का पूरा गेम चल रहा है और अब जिस तरीके से शिंदे गुट कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले, इस पूरे मामले का आधार क्या है और वो जो 37 का आंकड़ा है वो दरअसल क्या है? दरअसल मैं शिखा अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जब से बगावत हुई है उसके बाद से सीएम उद्धव ठाकरे के आवास पर विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक के बाद एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे ने विधायक दल के नेता के पद से हटाकर अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बना दिया था। विधायक दल का नेता बनाने के बाद जो डिप्टी स्पीकर होते विधानसभा के उनके पास इसकी मान्यता के लिए पत्र देना होता है और डिप्टी स्पीकर ने अजय चौधरी की जो सदस्य ग्रुप लीडर के तौर पर उन्हें चुना गया विधायक दल के नेता के तौर पर उसको मान्यता दे दी है। लेकिन शिंदे कैंप का ये दावा है कि ये जो प्रक्रिया की गई है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि मुख्य तौर पर विधायक दल का नेता जो है वो एकनाथ शिंदे ही है। जो नया गुट बनाया गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से, अब उनको ये साबित करना होगा कि 37 विधायक जो है उनके साथ है। तो कुल मिलाकर जब कोर्ट में ये पूरा मामला जाता हुआ दिख रहा है, हो सकता है कि कल बॉम्बे हाईकोर्ट में शिंदे कैंप की तरफ से दरवाजा खटखटाया जाए और उसमें दलील जो है वो रखी जाए। पूर्णिया सिटी जानिए ना, पूर्णिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।